Hello everyone, my name is Laiba and I am a 10th grader. Welcome to my YouTube channel. This is my first video on YouTube, so I am very excited. I hope you guys will like this one. So ये होने वाला है मेरा first vlog. Basically ये study vlog है और मैं अपनी board preparation का first day से start कर रही हूँ और मैं जितने भी दिन जो भी पढ़ूँगी वो सब आपको दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में. तो मैंने ये मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, ये इसके नोट्स थे. उसके बाद मैंने भेल खाई एंड उसके बाद मैंने SST में हिस्ट्री का चैप्टर वन किया, दैट इज़ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद. मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, सो मेरे व्लॉग्स भी हिंदी मीडियम वाले ही होंगे बेसिकली, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ. और ये थे मेरे नोट्स, मैं फ्लो चार्ट में बनाती हूँ और ये 7 पेज में आ गए थे, तो शॉर्ट नोट थे काफ़ी. उसके बाद ये है मेरा डे 2 का ब्लॉग और ये है मेरी टू डू लिस्ट. मैं टू डू लिस्ट बना लेती हूँ कि मुझे आज क्या क्या काम करने हैं. सबसे पहले मैंने की थी मैथ्स और उसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे. उसके बाद मैंने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, और ये मैं देख रही थी डाउटनेट की हेल्प से. और रुचि मैम काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं तो मैं उन्हीं से पढ़ रही थी. ये मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है. उसके बाद फिर मैंने इसको रिवाइज किया और इसके नोट्स जब मैं कंप्लीट कर लूँगी सारे फिर आपको दिखाऊँगी. ओके, उसके बाद फिर मैंने ब्रेक लिया और ब्रेक में मैंने ये टॉफी खाई, दैट वाज क्वाइट प्रीटी गुड. इस छोटे से ब्रेक के बाद मैं रीड कर रही थी अपनी बुक यूरोप में राष्ट्रवाद और ये सारा मैंने हाईलाइट किया. हिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है, ऐसा लगता है कि हाँ पूरी लाइन में की सारी इंपॉर्टेंट है. और ये आप देख सकते हो क्या हालत हुई है मेरी बुक की सारी लाइनें मुझे इंपॉर्टेंट लग रही थी और मैंने अवॉइड किया है कि ज़्यादा मैं हाईलाइट ना करूँ. उसके बाद ही इतने सारी चीज़ें हाईलाइट हो गई हैं कि सभी एकदम हाईलाइटेड दिख रहा है. उसके बाद फिर मैंने ये इंग्लिश के नोट्स बनाए थे, बेसिकली ये फर्स्ट चैप्टर के नोट्स हैं. ये 2 ही पेज में आए थे, इसमें मैंने इंक्लूड किया था थीम ऑफ द चैप्टर, कैरेक्टर स्केच एंड उसके बाद फिर मेन पॉइंट जो कि मैं आंसर में इंक्लूड कर सकती हूँ. डेट वॉज प्रिटी गुड. और उससे पहले ही मैंने देख लिया था ये लेक्चर, ये बेसिकली लर्न एंड शेयर का लेक्चर है. ये मैम मेघा बिलानी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं इंग्लिश और अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं. इन्होंने ना इस वीडियो में कैरेक्टर स्केच बताया है एंड उसके बाद फिर आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करवाई है. इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हम लोग एकदम बेस्ट आंसर कैसे लिख सकते हैं. बेसिकली अच्छी आंसर राइटिंग के लिए क्या करना पड़ता है, आपको प्रैक्टिस तो ज़रूरी है ही, बट एक सही गाइडेंस भी होना चाहिए जो कि मुझे मेघा मैम से मिल गया. सो यू गाइज ऑल्सो कैन रिफर दिस चैनल. सो दिस वॉज माई फर्स्ट व्लॉग, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा. ओके, सो बाय एंड टेक केयर.